चलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर आमास एजुकेट पर, जिसमें यानी आप सभी को पता है कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यानी लॉकडाउन के अंदर सरकार ने एक नए नियम बनाया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, जिससे हमने आप सभी को देखते हुए एमएस एजुकेट चैनल बनाया है, जिससे आपको लाभ मिल सके। और विशेष चीज ये है कि इसमें क्लास 6, 7 और 8 यानी तीनों क्लास मुझे जितने भी सब्जेक्ट है, यानी उनके जितने भी सब्जेक्ट है, उनके जितने भी कंसेप्ट है, वो इसमें हमें डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको घर बैठे तैयारी का मौका मिल सके। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि जैसे ही आप लिंक पर जाओगे तो उसमें वीडियो खुलेगा ना, उसके नीचे आप देखोगे कि एक नाम है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब। तो आपको क्या करना है, इस पर उंगली से टच करना है, जिससे कि ये सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल है, और आगे जितने भी वीडियो हमें इसमें डालेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारे चैनल के बारे में। तो आज पढ़ेंगे हमें प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि आप पीछे की क्लासों में आप पढ़ चुके हो कि प्रोनाउन क्या है, यानी सर्वनाम, हिंदी में सभी जानते हो आप, तो आज हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हमें, यानी परिभाषा। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी सर्वनाम वो क्या है, के शब्द है, दैट इज यूजेज, जो प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर। और संज्ञा जाती ही हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान का नाम है, तो वे सब चीज इसमें आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी काम में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मोहन इज ए प्लेयर, मोहन एक प्लेयर है, ही प्लेज फुटबॉल, यानी ये तो हमें पता चल गया कि मोहन क्या है, ये प्लेयर है। तो इसके बाद में दोबारा से मोहन के बारे में जब जिक्र करेंगे तो क्या करेंगे, यानी ये हमारी क्या है, नाउन है, यानी मोहन है वो एक नाउन है। तो नाउन के स्थान पर यानी क्या प्रयोग करना है, सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, हमें ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। तो दोबारा से मोहन का प्रयोग न करते हुए हमें ही का प्रयोग करेंगे, ही प्लेज फुटबॉल, यानी वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, यानी वो हर एक प्लेयर है। तो मोहन का दोबारा से जिक्र करते हुए हमें नाम न लिखते हुए ही का प्रयोग करेंगे, इसे क्या कहेंगे, सर्वनाम, ठीक है। ये तो हो गया उदाहरण। तो आज पढ़ेंगे हमें पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्ति व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर भी यानी जो पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो व्यक्तिवाचक जो हमारा सर्वनाम है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं कर्ता वाचक, कर्ता वाचक सर्वनाम। और इसके बाद में दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कर्म वाचक सर्वनाम।
और तीसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसे क्या कहेंगे, अधिकार अधिकारवाचक सर्वनाम। तो अब पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांट दिया गया। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं, यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय या कर्ता, इसीलिए इसका नाम है कर्तावाचक सर्वनाम। जैसे कि सब्जेक्टिव, यानी जो सब्जेक्टिव के अंतर्गत जो शब्द आते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि ही सी इट दे, ये सब, यानी इनका प्रयोग हमें सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब्जेक्टिव से बनते हैं, जैसे कि ही से हमने बना दिया ये ही है, ही से हमने बना दिया हिम, और सी से बना दिया है, आई से बना दिया मी। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव, और इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी क्रम की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा तीसरा ये पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे माइन हिज हैज इट्स, ये ऐसे शब्द आएंगे तो ये अधिकार को बताएंगे, यानी जैसे कि इसका उदाहरण हम करेंगे तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देश वोक एज माइन, यानी ये बुक इसकी है मेरी है, ये बुक मेरी है, तो माइन का मतलब है मेरी, यानी ये अधिकार के बारे में बता रही है। ठीक है, इज कर सकते हैं, दिस बुक इज हिज, यानी यह बुक उसकी है, तो ये सब इस प्रकार से ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगले जो भाग है वो आज हमारे तीन भाग कंप्लीट हो गए, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। ठीक है, तो अगले हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।